वो खतरनाक जंगल जहाँ जो इंसान गया फिर कभी वापस ना आया। हुआ बैस्यू वर्ल्ड मोस्ट हंटेड जंगलों में से एक है, जो कि क्लोज नेपोका रोमानिया के नज़दीक वाक़या है। ये जंगल 55,000 साल पुराना है और 250 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है, जो कि अपने अंदर इंस्टेंस पैरानॉर्मल एक्टिविटी यानी शदीद गैर मामूली सरगर्मियों और अनएक्सप्लेनड इवेंट्स नामालूम वाकयात की वजह से जाना जाता है। यहाँ पर अक्सर घोस्ट नामालूम पेरिशंस देखे जा चुके हैं। यहाँ फोटोग्राफी से कुछ ऐसे चेहरे देखे गए जिनको इंसानी आँख से नहीं देखा जा सकता। 1970 में यहाँ खलाई मखलूक के देखे जाने की इत्तला भी मिली है। अक्सर इस जंगल से गुजरने वाले लोग बताते हैं कि इन्हें शदीद बेचैनी जैसे जज्बात फील होते और ऐसा महसूस होता कि कोई गैर मरई चीज़ इन्हें मुसलसल देख रही हो। यहाँ अजीब किस्म का डरावना माहौल बना रहता है। इस जंगल की हसासियत का तब पता चला जब एक चरवाहा अपनी 200 भेड़ बकरियों के साथ एकदम से गायब हो गया, फिर उसका कहीं पर सुराग ना मिल सका। जो लोग इस जंगल के आसपास रहते हैं वो इसके बारे में मशहूर कहानियों और होने वाली हलाकतों की वजह से इसमें दाखिल होने से बहुत घबराते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई इस जंगल में चला गया तो फिर वो कभी घर वापस नहीं आएगा। अगर कोई भूले से चला भी जाए तो वो कै मतली दर्द, शकीका जिस्म का जल जाना, जिस्म पर खरोचों का लगना, इंतहाई बेचैनी और दीगर कई गैर मामूली हालतों समेत वापस आता है। अक्सर यहाँ पर रात को कई सालों से किसी लड़की की खौफनाक आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये जगह रुए ज़मीन पर जिन भूत चुड़ैल हमजाद जैसी गैर मरी मखलूक का मेन मस्कन है। कुछ इस बारे में कहते हैं कि पुराने ज़माने में यहाँ पर सैकड़ों देहातियों को बेईमाना तरीके से कत्ल कर दिया गया था, अब उनकी रूहें यहाँ पर भटकती रहती हैं और किसी को ज़िंदा नहीं छोड़ती। करीबी लोग कहते हैं कि यहाँ अक्सर रात 12 से 2 बजे के दरमियान एकदम से जंगल खौफनाक आवाज़ों से गूंज उठता है और कभी ढोलक बाजे शामियानों और खूबसूरत धुनों से गूंज उठता है, जैसे कि किसी की बारात निकाली जा रही हो।